Hello student, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you to tell you the third chapter of your second book snapshot, that is Ranga Marriage by Masti Venkateshwar Iyengar. Now the simplified version of the story. Hoshali is a village. Hoshali gaon hai in Mysore. The village accountant was the first one who had sent his son Ranga to Bangalore for studies. Hoshali mein jo accountant hai gaon ka, वो एक पहला इंसान है जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए गांव से बाहर भेजा बैंगलोर में. When the boy came back home after 6 months, और जब 6 महीने के बाद लड़का वापस गांव लौटा, there was a great excitement. हर कोई एक्साइटमेंट थी हर एक के अंदर कि वो कैसा होगा, उसने क्या बदलाव आया होगा. पीपल rushed टू हिज हाउस, लोग उसके घर की तरफ दौड़े देखने के लिए कि वो क्या बदलाव करके आया है. Come, Ranga's is here. Let's go and have a look. और हर कोई ये जानना चाहता था कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा होके आया है. Seeing so many people in the courtyard, जब उसने अपने आंगन में courtyard में बहुत सारे लोगों को देखा, Ranga came out with a smile on his face. वह कमरे से घर से बाहर निकलकर आया अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. लेकिन हर कोई आश्चर्य करता है क्योंकि वो 6 महीने पहले जैसा था वैसे ही वो अब भी दिखाई दे रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं था. When he had felt first left the village, an old lady who was near him ran her hand over his chest. एक बूढ़ी औरत जो उसके सबसे करीब थी, उसने उसके सीने पर हाथ फेरा. Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा. And said, और कहा, the Janewala is still there. कि ये तो वही है, वैसे ही है. He hasn't lost his caste. उसने अपने आप को नहीं खोया है. She went away soon after that. और उसके बाद वो चली गई. रंगा मुस्कुराने लगा. Once they had realized that Ranga still had the same hand, legs, eyes and nose, they all melted away slowly. जब लोगों ने रियलाइज किया कि वो तो वैसे ही है, उसकी वही आंखें हैं, वही नाक है, वही हाथ है, वही चेहरा है, तो धीरे धीरे करके सारा क्राउड वहां से चला गया. But the narrator continued to stand there. लेकिन जो नरेटर था वो वही मौजूद रहा. And asked, और उसने पूछा, How are you? तुम कैसे हो? रंगप्पा. रंगा did a नमस्कार respectfully saying, और रंगा ने उसको बड़े respectfully नमस्कार किया. And I'm all right, और कहा, मैं ठीक ठाक हूँ. With your blessing, आपके आशीर्वाद से. He bent low and touched the narrator's feet. वो नीचे झुका और उसने नरेटर के पांव छुए. May you get married soon. और उसने फिर आशीर्वाद दिया कि जल्दी तुम्हारी शादी होगी. Said the narrator. नरेटर बोलता है. After a little peace and talk, he left the place. थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है. That afternoon, when the narrator was resting, और उसी दोपहर को जब नरेटर आराम कर रहा था, रंगा came to his house. रंगा उसके घर आता है. With a couple of oranges in his hand, उसके हाथों में कुछ संतरे थे. For a while they talk about this and that. थोड़ी देर तक तो वो इधर उधर की बातें करते हैं. Then the narrator said, Rangappa, when do you plan to get married? कि narrator से पूछता है, Rangappa, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? कब शादी करना चाहोगे? I'm not going to get married, he said. वो उसका सीधा सीधा जवाब था कि मैं शादी नहीं करना चाहता. Why not? Narrator पूछता है, क्यों नहीं? I need to find the right girl. रंगप्पा का जवाब था कि मुझे पहले अपने लिए सही लड़की की तलाश करनी है. If one gets married, it should be to a girl who is mature. क्योंकि शादी करने के लिए एक mature लड़की का होना जरूरी है. Otherwise, one should remain a bachelor. नहीं तो फिर इससे अच्छा तो है कि वो bachelor ही रहे, वो कुंवारा रहना पसंद करेगा. That's why I'm not marrying now. और यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता. Is there any other reason? नरेटर फिर जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न होती है कि क्या कहीं कोई और कारण तो नहीं है इसकी शादी ना करने का. A man should marry a girl he admires. रंगप्पा का क्या मानना था कि आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर करता है, जिसे वो पसंद करता है. What we have now are arranged marriages. आजकल तो सब अरेंज मैरिजेस होती हैं. How can one admire a girl with milk stain on her face? एक आदमी एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर ले जिसे अभी अपने चेहरे से दूध को साफ करना भी नहीं आता. और वन सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. या फिर इतनी छोटी कम उम्र की लड़की हो जिसको अभी ये भी नहीं मालूम कि अपने उंगलियों को कैसे वो बाइट करते हैं. वन अ नीम फ्यूज द अदर अ बिटर ग्रॉड. एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा,
तो ऐसे में कैसे शादी कर ली जाए? एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, और यही रंगा बोलकर मुस्कुराता है, हंसने लगता है। द नरेटर हैड थॉट दैट रंगा वुड मेक अ गुड हस्बैंड फॉर एनी गर्ल। लेकिन नरेटर के दिमाग में ये आता है कि रंगा किसी भी लड़की के लिए एक अच्छा आदमी, अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता है। बट नाउ ही वॉज डिस्ट्रेस्ड टू फाइंड दैट बॉय हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। लेकिन उसे देखकर सोचकर दुख होता है कि इस लड़के ने, इतने अच्छे लड़के ने जो कि एक अच्छे हस्बैंड क्वालिटी वाला लड़का है, वो कुंवारा रहना चाहता है, वो शादी नहीं करना चाहता। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा वहां से चला जाता है। द नरेटर मेड अप हिज माइंड राइट देन दैट ही वुड गेट रंगास मैरिड। और लेकिन नरेटर अपने दिमाग में तय कर लेता है कि वो रंगा की शादी कराकर ही रहेगा। देयर वॉज वन रामा राव इन द विलेज। उसी गांव में एक रामा राव नाम का इंसान रहता था। ही हैड अ नाइस, उसकी एक भतीजी भी थी, हु वाज अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, जो 11 साल की बड़ी प्यारी सी लड़की थी। हर नेम वाज रत्ना, और उसका नाम रत्ना था। बोथ अ पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। एंड रमा राव हैड ब्रॉट हर टू लिव विद हर फैमिली, और उसे वो अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए ले आया था। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी। एंड शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, और उसे वीणा प्ले करना आता था, बजाना आता था। एंड द हारमोनियम टू, और वो हारमोनियम भी बजाना जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज बहुत प्यारी सी थी। द नरेटर थॉट दैट रंगा वॉज द मोस्ट सुटेबल बॉय फॉर हर, और नरेटर को लगता है कि रंगा रत्ना के लिए एक सुटेबल बॉय साबित होगा। एंड रत्ना वॉज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा, और रंगा के लिए रत्ना एक सुटेबल ब्राइड रहेगी। सो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, द नरेटर वेंट टू देयर हाउस, नरेटर उसके घर जाते हैं। एंड सेड टू रमा राव्स वाइफ, और रमा राव की वाइफ से बोलता है कि आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैंने कुछ छाछ तुम्हारे लिए भेजा है, आस्क रत्ना टू फेच इट, और रत्ना से कहो कि वो ले आए। रत्ना के रत्ना बाहर आती है, एंड शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, वो एक प्यारी सी साड़ी पहनी होती है। द नरेटर टोल्ड हर टू सिट इन हिज रूम, नरेटर उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहता है। ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, बाद में वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना एक गाना गा के वो सुनाए। ही सेंट फॉर रंगा ऑल्सो, उसी समय वो रंगा को भी बुलवाता है। व्हाइल शी वॉज सिंगिंग, और जब वो गाना गा रही होती है, रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंचता है। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, लेकिन वो वहीं रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रत्ना का गाना बीच में रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो देखे कि ये गाना आखिर कौन गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बड़ी सावधानी से वो अंदर झांकता है। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, जो रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी वो रुक जाती है। एंड रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ऊपर देखती है। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एट वन स्टॉप, और जब वो एक अजनबी को देखती है तो वो रुक जाती है। रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड, रंगा को थोड़ा बुरा लगता है। व्हेन शी स्टॉप्ड हर सिंगिंग, जब वो अपना गाना रोक देती है। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया था। ही आस्क एज ही केम इन, जैसे वो अंदर आता है वो उसे पूछता है। एंड सेट ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर रत्ना खड़ी हुई होती है। विथ हर हेड लोअर्ड, अपना सर झुकाकर। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा लगातार रत्ना को देख रहा था। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, थोड़ी देर तक कोई भी कुछ नहीं बोलता। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, ये मैं था कि मेरे आने की वजह से गाना रुक गया। लेट मी लीव, मुझे जाना चाहिए यहाँ से, सेड रंगा, रंगा बोलता है। बट दे वर मग वर्ड्स, लेकिन वो ऐसे वर्ड्स से जो बहुत धीरे बोलता है। एंड द फेलो सेड, जो साथी थे वो कहते हैं, ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, वो जाने को तो कहता है लेकिन वो वहां से उठ भी नहीं पाता। रत्ना रन इनसाइड, रत्ना भागकर अंदर चली जाती है। ओवरकम बाय शाइनेस, क्योंकि उसको शर्मा जाती है। आफ्टर अ वाइल, और थोड़ी ही देर बाद, रंगा आस रंगा पे पूछता है, हु इज दैट गर्ल, स्वामी स्वामी वो लड़की कौन थी? व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि वो कौन थी? सेड द नरेटर, नरेटर उसे बोलता है, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो शादीशुदा हूं। एंड यू आर नॉट मैरिंग, और तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं है। शी इज इंट मैरिड देन, क्या उसकी शादी नहीं हुई है? रंगा आस्क वेरी होपफुली, रंगा पूरी आशा के साथ पूछता है। एंड शी वॉज मैरिड अयर एगो, वो झूठ बोलता है कि उसकी एक साल पहले शादी होगी हो गई। रंगा स्पेस शिबल, उसका चेहरा कांपने लगता है, लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, जैसे कि एक भुंजा हुआ बैंगन हो।
He left after a while saying, वो कहने के बाद वहां से चला जाता है कि I must go, I have work at home, कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर कुछ काम है. The narrator went to the village शास्त्री. Narrator विलेज शास्त्री के पास जाता है the next morning, अगली ही सुबह, and said to him, और उसे कहता है, keep everything ready to read the stars, सब कुछ सही रखना, क्योंकि तुम्हें जल्दी ही तारों के बारे में गणना करनी है. I'll come later, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा. He told the शास्त्री all that he wanted him to say. वो पहले से ही शास्त्री को सब बातें बता देता है जो भी उसे कहना था. द नैरेटिव मेट रंगा. नैरेटिव फिर रंगा से मिलता है इन द आफ्टरनून दोपहर में एंड फाउंड नो चेंज इन हिम और देखता है कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है. बट ही सैड लेकिन वो कहता है व्हाट्स द मैटर क्या हुआ. यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट तुम कुछ विचारों में खोए हुए लगते हो. नथिंग नथिंग रॉन्ग्स बिलीव मी. रंगा कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरा विश्वास करें. Headache, सिर्फ सर दर्द था. King, let's go and see a doctor. तभी वो कहता है क्यों ना चले डॉक्टर को दिखाते हैं. I have no headache, I'm okay. रंगा गैन कहता है कि मेरे को कोई सर दर्द नहीं है मैं ठीक हूँ. The same was the case with me. यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था when the process of choosing a girl for me was going on. जब मेरे लिए लड़की की तलाश की जा रही थी. But I don't think it could be the reason for you present condition. लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए यही कंडीशन है. रंगा स्टार्टेड एट द नरेटर. रंगा नरेटर को देखने लगता है. कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री. चलो शास्त्री के पास चलते हैं. सेड द नरेटर. नरेटर से कहता है एंड ही विल टेल अस वेदर शुक्र एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट. कि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह तुम्हारी राशि में है या नहीं तुम्हारे लिए फेवरेबल है कि नहीं ये देखते हैं. रंगा अकंपनीड द नरेटर. रंगा नरेटर के साथ साथ चल देता है विदाउट एनी प्रोटेस्ट बिना किसी कुछ पूछे और कहे. As soon as शास्त्री saw them, जैसे ही शास्त्री उन्हें देखता है, he exclaimed, वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, What a surprise! कितना आश्चर्य की बात है. Haven't seen you for a long time. तुम्हें काफी समय से नहीं देखा. Then he turned to Ranga. और फिर वो रंगा की तरफ मुड़ता है और कहता है, Said, When did the young son of our accountant come home? कि हमारे ये accountant का बेटा कब आया? What can I do for him? और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us. ये तो बहुत कम ही होता है कि ये हमसे मिलने आता है. टेक आउट योर पंचांग. अपना पंचांग निकालो. अवर रंगाप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड. हमारे रंगाप्पा के माइंड में कुछ चल रहा है. कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम. क्या तुम बता सकते हो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. टुडे वी शैल पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट. कि आज तुम्हारे ज्योतिषाचार्य का हम टेस्ट लेना चाहते हैं परीक्षा करना चाहते हैं. शास्त्री टुक आउट सम क्वेरीज एंड अ बुक. वो कुछ क्वेरीज निकालता है और अपनी किताब निकालता है और गणना शुरू कर देता है. He moved his lips और उसके होंठ बुदबुदाने लगते हैं. Fast as he counted on his finger. उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वो उंगलियों पर गिनती करता है. With a shake of his head और साथ ही साथ उसका सिर हिलता भी रहता है. He did some more calculation. थोड़ी सी कैलकुलेशन और एंड देन said in a serious tone. और काफी सीरियस टोन में वो कहता है इट्स अबाउट अ गर्ल. ये सब एक लड़की के कारण हो रहा है. The narrator had been controlling his laughter. Narrator अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करता है all his while, पूरी तरीके से. But now he burst out. लेकिन अब वो जोर जोर से हंसने लगता है. Laughing, he turned to Ranga. और वो रंगा की तरफ मुड़ता है and said, और उससे पूछता है exactly what I had thought. यही तो मैंने भी सोचा था कि जरूर ये लड़की का ही चक्कर है. Who is that girl? अब तुम मुझे बताओ वो लड़की कौन है. शास्त्री थॉट पर अ वाइल. शास्त्री थोड़ी देर के लिए सोचता है बिफोर रिप्लाइंग कुछ जवाब देने से पहले. शी प्रोबेबली हैज अ नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. उसका नाम कुछ ऐसा है जैसे समुद्र में या ओशन में कुछ मिलता है उसी के नाम पर लड़की का नाम भी है. कमला. क्या उसका नाम कमला है. सेड द नरेटर. नरेटर से बोलता है मे बी शायद हो सकता है. इफ इट्स नॉट कमला इट कुड बी रत्ना. अगर कमला नहीं है उसका नाम तो शायद उसका नाम रत्ना है. रत्ना एक्सक्लेम द नरेटर. नरेटर की मुझे निकलती क्या रत्ना. द गर्ल इज रामाराव्स हाउस इन रत्ना. जो रामाराव के घर में है रत्ना. टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट. क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए. डेफिनेटली वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं. ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम. कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है देयर वाज सरप्राइज एज वेल एज हैप्पीनेस ऑन रंगा फेस. वो आश्चर्य तो करता है रंगा लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी आ जाती है. बट दैट गर्ल इज मैरिड. लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है. सेड द नरेटर. नरेटर कहता है देन ही टर्निंग टू रंगा. और फिर वो रंगा की तरफ मुड़ता है एंड सॉ दैट हिज फेस हैड फॉलन. और वो देखता है कि रंगा का चेहरा
मुरझा सा गया है और लटक गया है. आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं मालूम. शास्त्री शास्त्री बोलता है, देयर मे बी सम अदर गर्ल, हो सकता है शायद कोई और लड़की हो, हु इज सुटेबल, जो इसके लिए सुटेबल हो. आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र सेज, ये मैं तो सिर्फ यही बताया कि हमारा शास्त्र क्या कहता है. Both of them left the place. दोनों ही जगह को छोड़कर जाते हैं. On the way, और रास्ते में ही, they pass by Ramaraj's house. वो रामाराव के घर के पास से गुजरते हैं. And Ratna was standing at the door. रत्ना दरवाजे पर ही खड़ी थी. The narrator went in alone. Narrator अंदर अकेला जाता है and came out in a minute later. और एक मिनट में ही बाहर आ जाता है. Surprising, आश्चर्य हो गया. He said to Ranga. वो रंगा से कहता है, This girl isn't married. इस लड़की तो अभी शादी भी नहीं हुई है. And someone told me that other day that she was. किसी ने मुझे कहा था कि उसकी शादी हो गई है. What Shastri told us has turned out to be true. After all, जो भी कुछ शास्त्री ने हमसे कहा बिल्कुल सच होने जा रहा है. But रंगप्पा, I can't believe. लेकिन रंगप्पा मुझे विश्वास नहीं हो रहा that you have been thinking of her. कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे. Swear on the name of God and tell me. भगवान की कसम खाओ और कहो. Is it true what Shastri said? क्या ये सच है जो Shastri ने कहा है? Ranga at once admitted. Ranga तुरंत हाँ में सर हिलाता है. There is greater truth. ये महान सच है. In that Shastra than we imagine. कि शास्त्र जो भी कुछ कहा है सच है. जो हम सोच नहीं पाते वो शास्त्रों ने कह दिया. What he said is absolutely true. कि जो भी उसने कहा वो बिल्कुल सच है. Shastri was at the well when the narrator went there that evening. शास्त्री भी वहां मौजूद था जब उस शाम को वो गए. He said, शास्त्री जी you repeated everything. शास्त्री जी आप वो सभी कुछ रिपीट कीजिए जो आपने कहा था. I had taught you, जो मैंने आपको सिखाया था. Without giving rise to any suspicious, बिना किसी शक के. What a marvelous Shastra your is. कितना महान ग्रंथ है आपका. रंगप्पा had come the other day to invite the narrator for dinner. अगले दिन रंगप्पा आता है नरेटर को इनवाइट करने के लिए डिनर पर. व्हाट्स द ओकेशन, वो बोलता है कि क्या कारण है, किस वजह से तुम मुझे बुला रहे हो, आखिर मौका कौन सा है. He asked, It's श्यामा's birthday. श्यामा का जन्मदिन है. He is 3 और वो 3 साल का हो गया है. It's not a nice name. वो नीस नेम नहीं था श्यामा. Nice name? क्या ये प्यारा नाम नहीं है श्यामा, said the narrator. Narrator उसे बोलता है, Why did you have to give that golden child of yours such a name? कि तुमने उस सुनहरे प्यारे से गोरे से बच्चे का ऐसा नाम क्यों रखा. What a childish couple you are. तुम कितने भोले बच्चे हो, जोड़ा है तुम्हारा. रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम्हारा. योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट नाउ. तुम्हारी पत्नी अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है. एंड हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक. और तुम्हारी माँ की कौन मदद करता है खाना बनाने में. माय सिस्टर हैज कम टू हर. रंगप्पा कहता है कि मेरी बहन आई हुई है उसकी मदद के लिए. द नरेटर वेंट देयर फॉर डिनर. नरेटर वहां पर डिनर के लिए जाता है. श्यामा रश टू हिम. श्यामा भागा भागा उसके पास आता है. व्हेन द नरेटर वॉक्ड इन, जैसे ही नरेटर अंदर जाता है. एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज लेग, और उसकी टांगों को चारों तरफ से पकड़ लेता है. द नरेटर किस्ड हिम, और नरेटर उसको किस करता है. ऑन हिज चीक, उसके गाल पर. एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी उंगली में एक रिंग पहनाता. If you like the video, please press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.